भ्रष्टाचार और नैतिकता के संघर्ष में भारतीय राजनीति। क्या भ्रष्टाचार बना है नैतिकता का कब्रगा? भारतीय राजनीति के नैतिक मानकों में बदलाव का अनुभव किया जा रहा है। अतीत में नैतिक आदर्शों को मानने वाले कई उदाहरण थे, लेकिन आजकल ये मामला कुछ अलग है। आज की राजनीति की मांग नैतिकता के विपरीत हो चुकी है। आज जब नैतिकता की बात की जाती है, तब एक पक्ष चाहता है कि दूसरा पक्ष नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरे, पर जब बात स्वयं पर आती है तो नैतिकता के मायने बदल दिए जाते हैं। भारत की राजनीति में इसे विसंगति ही माना जाएगा कि किसी अपराधी को उसके समर्थक ऐसे नायक के रूप में प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं जैसे वह समाज के लिए आदर्श बन गया हो। आज तमाम नेता जमानत पर बाहर आकर राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं। क्या वास्तव में ऐसे राजनेता देश के राजनीति को सही दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं? कदाचित नहीं, क्योंकि आज के राजनीतिक माहौल में राजनेता जैसा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं वैसा सिद्धांत होता नहीं है। उनके क्रियाकलाप केवल और केवल भ्रमित करने वाली राजनीति करने के ही होते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार के दोषी सिद्ध हो चुके हैं, पर आज सत्ता में बैठकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। हम करें तो राजलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। भारत में साफ सुथरी राजनीति के क्या यही मायने हैं? समर्थन देने वाले भ्रष्ट होकर भी पाक हो जाते हैं और विरोध करने वाले पाक होने पर भी जेल भेजे जाते हैं। क्या ऐसे नेता राजनीति को सही दिशा दे सकते हैं? इसका उत्तर हमें स्वयं तलाश करना होगा। असम से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट, सच द रियलिटी।